गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ए हॉरर वर्ल्ड पे। और आज मैं आपको बताऊंगा, तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनाबेला वर्सेस द नन। जैसे कि मैंने वादा किया था, आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा एनाबेला वर्सेस द नन, एक वर्सेस चैलेंज। तो चलिए, वर्सेस चैलेंज को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। गाइस, बाकी वर्सेस चैलेंज की तरह आज हम ये वर्सेस चैलेंज को भी चार बेसिक फैक्टर से जज करेंगे। नंबर वन पावर्स, नंबर टू वीकनेस, नंबर थ्री इंटेलिजेंस, नंबर इंटेलिजेंस लेवल और नंबर फोर डेंजरस। तो वर्सेस चैलेंज शुरू करने से पहले हम दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इन दोनों कैरेक्टर्स की कौन कौन सी मूव में आए इनके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें एनाबेला की, एनाबेला के ऊपर काफ़ी सारे मूवीज बन चुकी है, जैसे एनाबेला क्रिएशन, द एनाबेल, एनाबेल कम्स होम, यहाँ तक कि द कॉन्जरिंग वन, द कॉन्जरिंग टू, यहाँ तक कि द कर्ज ऑफ ला लोरोना मूवीज दो के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें द नन की, द नन के ऊपर सिर्फ दो ही मूवी बन चुकी हैं, जैसे द नन और द कॉन्जरिंग टू। तो ये तो हो गई इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट शुरू करवाते हैं। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, क्या ये दोनों कैरेक्टर रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? अगर हम बात करें एनाबेला की, एनाबेला इस डॉल, ये डॉल रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और ये वॉरेन कॉपल्ट म्यूजियम जो कनेक्टिकल यूएस में है वहाँ पर है। लेकिन अगर हम बात करें नन की, नन एक फिक्शनल कैरेक्टर है। जब लॉरेन वॉरेन एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब नन जैसे डिमोनिक नन ने आकर एकदम से डराया। उसके बाद से लॉरेन वॉरेन को वो नन कभी नहीं दिखी। और इसी और रियल लाइफ डीमन वालक से नन कैरेक्टर को इंस्पायर करके मूवीज में लाया गया। तो अब हम वर्सेस चैलेंज को डायरेक्टली शुरू करते हैं। नंबर वन पावर्स, अगर हम बात करें एनाबेला की, एनाबेला के पास पावर्स का भंडार है, जैसे दूसरे स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर दूसरों पर हमला करवाना। हमने हर मूवीज में देखा है कि किस तरह उसने घर में रह रहे सभी लोगों को एक एक करके डराया और मारने की कोशिश करी। तो एनाबेला के पास पावर्स का भंडार है और यही बात उसके स्पिरिट्स कंट्रोल करने की, तो वो काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन अगर हम बात करें नन की, तो नन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है टेलीकिनेसिस की। टेलीकिनेसिस वो पावर होती है जहाँ हम किसी भी इंसान या चीज़ को हवा में उड़ा सकते हैं बिना हाथ लगाए। अगर इन दोनों पावर्स की वजह से कंपेयर किया जाए, लेकिन एनाबेला के पास पावर्स का भंडार है, इसलिए पावर्स के राउंड में एनाबेला ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। इसलिए इस राउंड की विनर एनाबेला है, पावर्स का राउंड में एनाबेला विनर है। नंबर टू वीकनेस, इस राउंड में हम दोनों की कमजोरी को लेकर कंपैरिजन करेंगे। अगर हम बात करें एनाबेला की सिर्फ एक ही कमजोरी है, यानी कि वो क्राइस्ट ब्लड बोलने मैंने, एनाबेला की कमजोरी वो ग्लास ब्लड, जिसमें वो हमेशा कैद रहती है, जिसे वॉरेंस ने उन्हें कैद करके रखा है। लेकिन अगर बात करें दानन की दो वीकनेस है। पहली दानन मूवी में हमने देखा था कि सिस्टर एलियन ने क्राइस्ट ब्लड जब नन के ऊपर स्पिट किया था, तो नन उसी समय बहुत वीक हो गई और उसी समय नर्क में वापस चली गई। लेकिन और नंबर टू, तो लॉरेन वॉरेन जब कॉन्जिंग टू में दूसरी वीकनेस देखने को मिलती है, जब लॉरेन ने उसका नाम असली बालक लेकर उसे नर्क में जाने का आदेश दिया, तो नन बहुत ज़्यादा वीक हो गई और वो उसी समय नर्क में वापस चली गई। वीकनेस के राउंड में एनाबेला को नन थोड़ी ज़्यादा वीकनेस के कंपैरिजन में है, इसलिए इस राउंड की विनर भी एनाबेला है। राउंड थ्री इंटेलिजेंस लेवल, तो इस राउंड में हम दोनों की चालाकियों यानी खूबियों का कंपैरिजन करेंगे। अगर हम बात करें एनाबेला की, एनाबेला के पास इंटेलिजेंस का भी भंडार है, जैसे हमने मूवीज में भी देखा कि कैसे उसने दूसरी स्पिरिट्स को कंट्रोल करके अपने विक्टिम्स पर हमला करवाया, यहाँ तक कि एनाबेला के पास टेलीकिनेसिस की भी पावर्स है। लेकिन अगर हम बात करें नन की, तो द नन की नन भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एनाबेला की तरह नहीं है।
वो इंटेलिजेंस के मामले, वो इंटेलिजेंस से अपने दुश्मनों को केवल डराती है, लेकिन एनावेला दुश्मनों को डराती नहीं, उन्हें सिर्फ मारती भी है। इसलिए इंटेलिजेंस वाला राउंड भी जीत लिया है एनावेला ने। और नंबर फोर डेंजरस। नंबर फोर में हम देखेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजर है। अगर हम बात करें एनावेल की, एनावेल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डॉल है, डेंजरस। जैसे हमने पिछले राउंड की रिजल्ट्स याद करें तो हर राउंड में एनावेला ही विनर है, तो इसीलिए इस राउंड में भी एनावेला ही विनर होगी। तो सॉरी नन, मैं आपको ये राउंड नहीं दे सका क्योंकि आप ही इतनी कमज़ोर। तो इसे तो डेंजरस वाला राउंड भी जीत लिया है एनावेला ने। और अगर स्क्रीन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, एनावेला 4 और नन 0। तो इसी के साथ वर्सेस चैलेंज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक किस वीडियो पर देखना चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो लाने के लिए। तो गाइस वीडियो कहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं। बाय गाइस।